हेलो, सत श्री अकाल जी। मैं दिलजीत सिंह, एस एस ग्रुप बिल्डर तो आप जी का स्वागत करता हाँ। अज मैं थोड़े लिए लेके आया बहुत ही प्यारा घर जो कि सैक्टर 125 सनी इनकलेव सिचुएटेड है, और इस घर का साइज है 200 स्केयर यार्ड। इसका फ्रंट है 30 और यदि जी पिछे डेप्थ हैगी है वह हैगी 60 फुट, और ये 5 कमरिया का घर है। बहुत ही प्यारा घर, वेस्ट फेसिंग और पार्क फेसिंग इसकी लोकेशन हैगी है। इसके आले दुआले जिन्हें भी घर बने हुए हैं टोटली सारे ही बहुत ही वधिया ही बड़े ही अच्छे बने हुए हैं। उस तो बिना एक घर पार्क फेसिंग है जो कि मैं तुहानू अगे वीडियो विच दिखावांगा। इस वेले तुसी इस घर का फ्रंट देखो, इस दे घर दे फ्रंट दे विच बहुत ही प्यारी एलीवेशन की टाइल लगी हुई है जो कि एलीवेशन नू होर खूबसूरत बना रही है। इस तो बिना इस घर दे विच 2 गड्डियां की इनर पार्किंग हैगी है, और आप 2 व्हीलर भी इस घर दे विच लगा सकते हो। एलीवेशन दे विच लाइटिंग दा, कलर कंट्रास्ट दा बहुत ही ध्यान दिता गया है। इस घर दा जेड़ा रोड है फ्रंट वो 30 फीट वाइड है रोड, और इस तो बिना इहदे अगे पार्क आ जाता है, और जिथे तुसी अपना एक 4 व्हीलर तुसी सामने भी पार्क कर सकते हो। ये घर दी एंट्री है, और एलीवेशन देखो बहुत ही प्यारा। HPL शीट दा यूज किया गया है टॉप ते, बर्म एरिया कवर है। ये रोड बहुत साइड नू वर्किंग है, किते भी ये नहीं कि रोड बंद होंदा होवे। कलर कंट्रास्ट इस घर का बहुत ही प्यारा है। ये घर का पूरा फ्रंट व्यू, वेस्ट फेसिंग होने के कारण इस घर दे विच रोशनी हमेशा रहती है। ये तुहानू पार्क दिखाया जा रहा है जी, बहुत ही प्यारा पार्क है, वेल मेंटेन पार्क। ये सनी दा एक इकलौता पार्क है जिहड़ा कि तुहानू इत्थे सारा कुछ ते डिवेलप मिलेगा। पूरी ग्रीनरी है इस पार्क दे विच, वेल मेंटेन पार्क है। कोठी दा व्यू सामने ते नजर आ रहा है, बहुत ही अच्छा पार्क। और इस कोठी दे बिल्कुल नियरेस्ट ही पार्क तुसी सामने देखते हो, मंदिर, गुरुद्वारा और मार्केट है, और स्कूल भी है इहदे लागे। बहुत ही प्यारी लोकेशन दे विच घर है, पीसफुल एरिया है। इस घर दे जदों भी असी मॉर्निंग घर तो बाहर निकलेंगे सानू ग्रीनरी दिखेगी। हुण चलते हैं असी घर दे अंदर। एक घर दा फ्रंट यार्ड आ गया जी, जिस दे विच तुसी 2 गड्डियां दी पार्किंग लगा सकते हो। कलर कंट्रास्ट देखो टाइलिंग दा, जो कि घर दे नाल बहुत ही अच्छा मैच कर रहा है। लाइटिंग दा, कलर दा इस घर दे विच बहुत ही वधिया कंट्रास्ट है। एक छोटा गेट इत्थों तुसी 2 व्हीलर इस जगह ते पार्क कर सकते हो। इनबिल्ट पानी दी मोटर है, 4000 लीटर दा स्टोरेज टैंक, और एक छोटा गार्डन इस घर दा जो तुसी इस वीडियो च देख रहे हो। सामने बड़ा गार्डन तो है ही है, यह छोटा गार्डन अपने घर लई मेंटेन वास्ते। बहुत ही प्यारा टाइल दा कलर कंट्रास्ट, ग्रे टाइल विद वुडन शेड। फ्रंट यार्ड देखो, 2 गड्डियां दी पार्किंग ईजली इस घर दे विच आ सकती है। वुडन डोर बहुत ही अच्छी लुक दे विच बनाया गया है। इस तो बिना तुसी इस घर दे पोर्च दे विच वुडन टच विद स्टोन लुक और ग्लास वर्क दा भी काम किया गया है। बहुत ही यूनिक कलर ने घर दे। इस केस दे विच तुसी अपने 2 सिलेंडर
लगा सकते हो एलपीजी दे जो कि घर दे बाहर आणगे। अजे इस नूं शीट दे नाल कवर करना पेंडिंग है साडा। सीसीटीवी कैमराज ऑलरेडी इंस्टॉल ने घर दे विच। चलो दोस्तों हुण तुहानूं घर दे अंदर लेके चलदे हां। मेन डोर विद डिजिटल लॉक दे नाल, बहुत ही प्यारा डोर है, दिले वाला डोर इन्हूं कहा जांदा पंजाबी च। और घर दी एंट्री ते ही बहुत ही प्यारा डिजाइन वुडन दा, और एंट्री ते ही लाइटिंग दा बहुत अच्छा ख्याल रखा गया है। बहुत ही वाइड घर है। अगर तुसी इसनू वीडियो च देख रहे हो तो ये तुहानू घर 300 गज दा लगेगा। बहुत ही खुला डुला प्यारा घर। ये अपस्टेयर दे एरिया जो तुसी वेख रहे हो, वुडन वर्क बहुत ही प्यारा है इस घर दे विच। हुण आप जी नू ड्रॉइंग एरिया दे विच लेके चलदे हां। इस घर दे विच कलर कंट्रास्ट, लाइट और हर कर, एक थीम दे नाल इन्हूं तैयार किया गया है। वाइट ड्राइंग रूम है जिदे विच तुसी 12 सीटर सोफा सेट इजीली लगा सकते हो। फॉल सीलिंग बहुत ही प्यारी। पार्टीशन, फॉल सीलिंग वर्क बहुत ही अच्छे तरीके नाल तैयार की गई है। ये हुण आ गया अपना लॉबी एरिया। बहुत ही डीसेंट लाइट वर्क किया गया है घर दे विच। कोई भड़कीलियां चीजा नहीं यूज की गई, बहुत ही सिंपली ही और डिजाइन और कलर कंट्रास्ट का ध्यान रख के घर तैयार किया गया। ये क्रॉकरी यूनिट आ गया अपना। इसी क्रॉकरी यूनिट दे विच सीसीटीवी कैमराज और अपना वीडीपी का प्रोविजन दिता गया है। ये घर का किचन आ गया। कंपनी मेड किचन है जी। ये इहदे विच चिमनी हो, माइक्रोवेव ऑलरेडी इंस्टॉल है। कलर कंट्रास्ट आप जी देखो बहुत ही प्यारा है, वुडन टच दे नाल ग्रीन शेड दे विच किचन जो कि बहुत ही अच्छी लग रही है। नेचुरल एयर दे लई विंडो विद एग्जॉस्ट। और इस घर दे विच जिन्नी भी बाथ फिटिंग है वो सारी जैकोर दी है। इस घर दे विच फिनिशिंग वर्क दा बड़ा ही ध्यान नाल काम किया गया है। मैं तुहानू हरेक चीज दे विच सिंपलिसिटी और बड़ी ही उस वधिया तरीके नाल तैयार की गई है। इत्थे एक डबल डोर फ्रिज दा प्रोविजन, ये भी पूरा कवर किया हुआ है। बैक साइड प्रॉपर टाइल दे नाल कवर की गई कि फ्यूचर च कोई भी सलाब या सोरा अपने किसी भी इक्विपमेंट नू खराब ना करे। कलर कंट्रास्ट बहुत ही प्यारा। ये आ गया सी फर्स्ट बेडरूम दे विच। ये वॉशरूम है इस बेडरूम दा। हरेक वॉशरूम दे विच ग्लास पार्टीशन किया गया है। टाइल कंट्रास्ट बहुत प्यारा।
रूफ तक सीलिंग तक अपनी पूरी। टाइल कंट्रास्ट बहुत ही यूनिक है इस घर का, लाइट के नाल डार्क कंबिनेशन जो कि लुकिंग मिरर भी तुसी देख रहे हो इंक्लूडिंग लाइट। इस घर दे विच हरेक चीज का एग्जॉस इलेक्ट्रिकल दे इक्विपमेंट और पॉइंट बहुत ही वधिया तरीके नाल इंस्टॉल किए गए। ये वार्डोज आ गए इस घर दे, देखो वाइट थीम यूज कर रहे हैं इस घर दे विच, और अगर तुसी इहदा वॉलपेपर देखो डार्क कंट्रास्ट दे विच आ जाता है जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है। लाइटिंग दे नाल और वुडन टच दे नाल ये होर अच्छा लग रहा है। सीलिंग कबर्ड हाइट फुल हाइट ने जो कि बहुत अच्छे लग रहे ने। सीलिंग विच भी वुडन का टच दिता गया है। ये देखो वॉलपेपर का लुक, ड्रेसिंग भी इस कमरे के नाल अटैच है। हम चल रहे हैं नेक्स्ट रूम के विच, सेम एज पर रूम रिक्वायर सामने ड्रेसिंग आ गया, वॉलपेपर भी ये विच ने, और इस रूम का जो कलर कंसेप्ट है वो डार्क ग्रे ते चल रहा है और विद स्लाइडिंग कबर्ड। हर कमरे दे विच कोई भी डिजाइन रिपीट नहीं किया गया, ना ही कोई फॉल सीलिंग का डिजाइन, ना ही कबर्ड का कोई डिजाइन। हर कमरे का कलर कंट्रास्ट और डिजाइन बिल्कुल अलग किया गया। इस दे विच पूरे जेड़े तुसी पल्ले वेख रहे हो ये सारे पल्ले तुहाडे ग्लास दे आ रहे हैं जो कि टफन ग्लास है ब्लैक दे विच। एलसीडी पैनल बहुत ही डीसेंट डीको कलर दे विच, बहुत ही प्यारा कंट्रास्ट लाइट क्रीमी शेड करना शुरू कर दे। फिर आऊंगा तो बत्ती दा किधर सी ड्रेसिंग और यूटिलिटी वास्ते भी इतने सेल्फ का प्रोविजन दिता गया है, तुसी इस काफ़ी समान रख सकते हो जो कि अपने घर के समान होंगे ने। घर च जिनी जगह हो उन्नी ही घट है। हूँ ये वॉशरूम ब्लैक विद वुडन, और इस रूम के जिहड़ी बाथ फिटिंग भी है वह भी ब्लैक है, तो मतलब कलर कंट्रास्ट नू लेके इस घर के कोई भी कमी नहीं है। प्रॉपर डिजाइनिंग ये घर किया गया है एज पर सेम जैकवार की फिटिंग है देविच जो तुसी वेख रहे हो। इस तो बिना आप जी सब दोस्तों मैं कहना चाहना कि साडा एस एस ग्रुप बिल्डर के नाते सलीम क्लिप के काम अपना, तुसी कोई भी कंस्ट्रक्शन या न्यूली बिल्टअप या इस तो बिना भी साढ़े तो होर भी बहुत जिस तरह का बंदे का बजट है उस हिसाब दी साढ़े को बहुत ही प्रॉपर्टियां ने। तुसी सानू कभी भी इनफॉर्मेशन ले सकते हो साढ़े तो इस बारे। हूँ चलते हैं बैकयार्ड के विच, एक अद्धा बैकयार्ड है। बैकयार्ड दे विच बैक एरिया प्रॉपर कवर किया गया है एज अ सिक्योरिटी लई। वॉशिंग लई प्रोविजन दिता गया है दो टैप्स का, और टाइलिंग दे नाल एरिया कवर किया गया है ताकि फ्यूचर दे विच आप जी नूं कोई भी एक्स्ट्रा वर्क ना इस घर दे विच कराना पवे। काफी स्पेस है बैक साइड दे विच।
ਹੁਣ ਚਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲਦੇ ਹਾਂ ਡਰਾਇੰਗ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਸਟੇਅਰ ਦੇ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਗਲਾਸ ਵਿਦ ਗੋਲਡਨ ਸ਼ੇਡ ਔਰ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਸਟੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਜੋ ਵੂਡਨ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਵੂਡਨ ਵਰਕ ਵਿਦ ਗਲਾਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਲੁਕਿੰਗ ਮਿਰਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਅਪਸਟੇਅਰ ਦਾ ਫਰੰਟ ਵਾਲ ਜੋ ਕਿ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਗਲਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇ ਔਰ ਇਹ ਕਾਪਰ ਕਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜੋ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਆਲਰੇਡੀ ਨਾਲ ਲਾਈਟਿੰਗ ਦਾ ਔਰ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ੈਂਡਲਰ ਆ ਰਿਹਾ ਨੈਚੁਰਲ ਲਾਈਟ ਦੇ ਲਈ ਬਲੈਕ ਗ੍ਰੇਨਾਈਟ ਆਲਮੋਸਟ ਇਹੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਲਾ ਕਲਰ ਹੋਰ ਘਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸੇਮ ਵੂਡਨ ਵਰਕ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖੋ ਘਰ ਦੀ ਲੁੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੀ ਲੁੱਕ ਗਲਾਸ ਵਰਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨੈਚੁਰਲ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੈਂਡਲਰ ਲਾਈਟ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੀ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਦੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਘਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਆ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੈ ਔਰ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਥੋਪੀ ਗਈ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਘਰ ਫਸਟ ਫਲੋਰ ਦਾ ਫਸਟ ਰੂਮ ਇਹ ਮਾਸਟਰ ਬੈਡਰੂਮ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਸਨੂੰ ਇਸ ਵਿੰਡੋ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਰਕ ਫੇਸ ਦੀ ਲੁੱਕ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੜਾ ਪਾਰਕ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵਾਈਜ਼ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਘਰ ਹੈ ਹੁਣ ਸੇਮ ਇਸ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਰਡੋਜ਼ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਲੱਗ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੀਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿੰਪਲੀਸਿਟੀ ਔਰ ਨਿਊ ਵਰਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸਨੂੰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਲਿੰਗ ਦਾ ਕੰਟਰਾਸਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਐਲਈਡੀ ਪੈਨਲ ਔਰ ਡਰੈਸਿੰਗ ਇਹ ਡਰੈਸਿੰਗ ਆ ਗਿਆ ਡਰੈਸਿੰਗ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਡੀਕੋ ਕਲਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਡੀਕੋ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਟਰਾਸਟ ਔਰ ਡੀਕੋ ਦਾ ਕੰਟਰਾਸਟ ਸੇਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਆ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟੈਚ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਫਿਰ ਇਸ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦੀ ਥੀਮ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ ਬਲੈਕ ਔਰ ਕ੍ਰੀਮ ਕਲਰ ਲਾਈਟਿੰਗ ਗਲਾਸ ਟਾਈਲ ਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਨੈਚੁਰਲੀ ਏਅਰ ਔਰ ਹਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਘਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਗਜ਼ੌਸਟ ਫੈਨ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਇੰਸਟਾਲ ਉਹ ਵੀ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਘਰ ਦਾ ਫਸਟ ਫਲੋਰ ਦਾ ਡਰਾਇੰਗ ਏਰੀਆ
फॉल सीलिंग सिंपल प्रोफाइल है, कोई भी चमक दमक वाला काम नहीं किया गया। ऐसे तो सी बहुत ही बड़ी एलईडी इंस्टॉल करा सकते हो, एक डिजाइनिंग लुक के लिए लगाया गया डिजाइन है। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं करती लुक नु बहुत ही बता रहा है। इस घर दे विच कोई भी चीज रिपीटेड नहीं है। इस एलसीडी पैनल दा विद क्रॉकरी दे लिए बहुत ही अलग डिजाइन किता तैयार किया गया है। इस दे नाल ही स्टोर आ जाता है। जो आप देख रहे हो कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही प्यारा है। इस स्टोर रूम जिसकी मैं गल कर रहे थे, एज पर रिक्वायरमेंट आप इससे कुछ भी रख सकते हो। लॉक का भी प्रोविजन है, इधर ना डोर इंस्टॉल है। ये फर्स्ट फ्लोर दे विच पेंट्री भी दी गई है। हुण चलते हैं असी फ्रंट यार्ड वाल। लाइटिंग का कंबीनेशन बहुत ही प्यारा है इस घर दे विच। जिन्हें भी तुसी डोर देख रहे हो ये सारे टीक वुड के डोर ने जो कि दिले पाके तैयार किए गए हैं। ये आ गया अपना फ्रंट यार्ड। फ्रंट यार्ड तो आप जिन्हों घर की लुक का अंदाजा लगा सकते हो कि भी पार्क फेसिंग घर की फैसिलिटी है। फर्स्ट ऑफ ऑल मॉर्निंग जब असी सब तो पहला उठते हैं तो सानू पार्क ही दिखता है फ्रंट व्यू से, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। हर जगह टाइल का यूज किया गया है। ये आ गया फर्स्ट फ्लोर का सेकंड फ्लोर। एक वॉल नू हाईलाइटेड किया गया है वॉलपेपर दे नाल। नेचुरल एयर और लाइट वास्ते हर कमरे दे विच प्रोविजन है। फुल हाइट एलसीडी पैनल। इस रूम दे नाल वार्डरोब अटैच ने। ड्रेसिंग और वार्डरोब कट्ठे अटैच ने इस रूम दे विच। काफी ज्यादा स्टोरेज तुसीं इत्थे कर सकते हो फुल हाइट कबर्ड होने करके, और जगह की प्रॉब्लम ना आवे इसलिए स्लाइडिंग यूज किए गए ने। ये वार्डरोब स्लाइडर ने और स्पेस का पूरा ध्यान दिता गया है ताकि तुसीं अपना इस जगह दे विच बहुत ज्यादा स्टोरेज कर सको। वॉशरूम अटैच है इहदे नाल भी। कलर कंट्रास्ट ग्रे थीम विद लाइट क्रीम जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है। वॉशरूम अटैच है इस रूम के नाल, और इस वॉशरूम के विच भी लाइट डार्क
कंबीनेशन है टाइल का और टफन ग्लास लग्या होया जो कि हर वाशरूम के अटैच है। एक्सट्रा वर्क आप जी इस घर कुछ भी कराने की लोड़ नहीं है, रेडी टू मूव घर है, तुसी आओ शिफ्ट होवो, साढ़े वालों घर पूरा फाइनल है। बहुत ही प्यारा कलर कंबीनेशन, सेम लाइटिंग मिरर। इस घर विच क्रॉस कटिंग कितने भी नहीं की गई, दिल खोल के पैसे लगाए हैं ने। टाइल कंबीनेशन विद वुडन टच हर घर दे विच बड़े अच्छे तरीके ना दिता जाता है, पर इस घर दे विच बहुत ही वधिया तरीके ना इसका इस्तेमाल किया गया है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। हम अस चलते हैं टॉप फ्लोर के उत्ते। घर का टॉप फ्लोर आ गया, एच एक रूम है विद वॉशरूम और एक छोटी पेंट्री दिती गई है जिद अपने सर्वेंट न रख सकते हैं। अँ असी अपना होर भी घर का कोई समान वगैरह 2000 लीटर के टैंक तुम वेख रहे हो। जे आप जी नूं साडी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस नूं सबसक्राइब और लाइक जरूर करियो, अगे होरां नूं भी दस्यो। साडे वल्लों अगर तुहानूं किसी भी हैल्प दी नीड कुछ भी है तो सानूं दित्ते गए नंबर ते कॉन्टैक्ट करो। एक टॉप फ्लोर दा रूम, लाइटिंग दी किते भी कोई कमी पेशी नहीं है। बाहर का व्यू आप जी नूं दिखा रहे हैं। पार्क फेसिंग प्रॉपर्टी की अपनी ही वैल्यू होती है। बहुत ही प्यारा वर्क, ये रूफ आ गई जी, एक छोटी पेंट्री, टॉप फ्लोर से वॉशरूम अटैच, ये भी फुल हाइट वॉशरूम टाइल लगी हुई है, विच बाथ फिटिंग। नेचुरल लाइट ली विंडो है, सारी ही इस घर की बाथ फिटिंग जैक और है। ये मैं आप जी आले दुआले की लोकेशन दिखा रहा हूं। ये घर का टॉप रूफ तो इस घर की लोकेशन देखो, पार्क फेसिंग प्रॉपर्टी होने के कारण ये घर बहुत ही अच्छा है। हम असं आ जाने हैं फर्स्ट फ्लोर के पूजा रूम के। पूजा रूम बिना घर अधूरा होता है, पर जिथे परमात्मा का नाम जपया जाता है उही घर पूरा होता है। ये पूजा रूम आ गया जी, लाइट कंट्रास्ट दे नाल, डीको वर्क दे नाल, बहुत ही प्यारा वर्क। ये बैकयार्ड आ गया जी, एसी दे प्रोविजन सारे रूप ते ने, किते भी कोई अंतर नहीं है उदा पॉइंट। ये अपस्टेयर टॉप फ्लोर वास्ते
बहुत ही प्यारी लोकेशन कर दी। अगेन साडे वालों जे आप जी नूं कोई भी हेल्प कंस्ट्रक्शन दे रिलेटेड हाउस दी जानकारी दे रिलेटेड कुछ भी तां साडे दित्ते गए स्क्रीन ते नंबर ते कॉल करो और साडे चैनल नूं वध तों वध सबसक्राइब करो। अगे अपने फ्रेंड्स नूं दसो ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਪੇਸ਼ ਕਰੀਏ।